जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग दिया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था, हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। हाथ देखिए ना। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। दुमका की इस बेटी ने मौत से पहले चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि दरिंदों को भी इसी तरह से मरना चाहिए जिस तरह से वो तिल तिल कर अपनी जिंदगी को खो रही है। 90% से ज्यादा जले होने के बाद भी बहादुर बिटिया ने मौत से पहले अपना बयान दे दिया था। इस बयान से कोर्ट की सुनवाई के दौरान दरिंदे शाहरुख और उसके साथियों को सजा दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी। वही दरिंदे शाहरुख और उसके दोस्त की हैवानियत को देखकर दुमका बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। दुमका बार एसोसिएशन के सचिव राकेश यादव ने बताया कि कोई वकील दरिंदों का केस नहीं लड़ेगा। यादव ने बताया कि दुमका बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि एसोसिएशन ने इस अपराध को मानवता के नाम पर कलंक करार दिया है। आज हम लोगों का कार्यकारिणी का बैठक था जिला उद्योगता संघ का, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो घटना घटी है दुमका में, जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, इस तरह का घटना नहीं घटनी चाहिए। इसका हम लोग जो है निंदा प्रस्ताव पारित की घोर निंदा इसका करते हैं। और दूसरा हम लोग इसका लिए कि जो है जो अभियुक्तगण है इस मुकदमा के, अभियुक्तगणों का मुकदमा जो है दुमका जिला उद्योगता संघ के कोई भी साथीगण नहीं लड़ेगा। नरेंद्र शाहरुख ने जिस बर्बरता से एक बहादुर लड़की को मौत के घाट उतारा है, इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला करार दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। वैसे सबकी नजर अदालत पर टिकी है, वहीं वकीलों के इस फैसले से हैवानों को एक सबक तो जरूर मिलेगा। नरेंद्र शाहरुख ने जिस प्रकार से दुमका की बेटी को देह पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी, उससे दुमका के लोगों के साथ साथ दुमका के अधिवक्ता भी काफी आक्रोशित हैं, और इसीलिए ऐसे जो अभियुक्त हैं उसके किसी भी मुकदमा को अपने अपने हाथ में नहीं लेंगे, ताकि ऐसी मानसिकता रखने वालों को एक सबक मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। पंजाब केसरी के लिए दुमका से किरण कुमार झा।